जो कुछ लोग थे इधर के ही उधर जाकर के बैठे हैं, ये तो सबसे बड़ा एविडेंस है। और परंपरा के हिसाब से वोटिंग के टाइम में जिसको जहां सीट अलॉट होता है उसको वहीं बैठना पड़ता है, तो इतना बड़ा सबूत है, तो हम तो लिख करके दिए हैं, कार्रवाई तो होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। तमाम राजद के बागी विधायकों पर अब कार्रवाई होगी। तमाम जितने भी राजद के बागी विधायक हैं उन पर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व डिप्यूटी सीएम और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने अपने तमाम जितने भी बागी विधायक यानी जितने भी विधायक जिन्होंने राजद छोड़कर दूसरी दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली है उन तमाम विधायकों पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि फ्लो टेस्ट के दौरान भी दो विधायकों ने राजद का साथ छोड़ा था और उसके बाद धीरे धीरे करके और तीन विधायकों ने राजद का साथ छोड़ा। अगर इन विधायकों की बात करें तो उसमें संगीता कुमारी का नाम शामिल है, चेतन आनंद जो कि आनंद मोहन के बेटे हैं उनका नाम शामिल है, प्रहलाद यादव, फिर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और भरत बिंद, ये तमाम वो पांच विधायक हैं जिन्होंने तेजस्वी का साथ छोड़ दिया, जिन्होंने राजद का साथ छोड़ दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब इन तमाम पांच विधायकों पर तेजस्वी यादव जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने देखिए क्या कुछ इन तमाम पांचों विधायकों को कहा है कि इन तमाम पांच विधायकों पर हम एक्शन लेंगे, इन पर कार्यवाही जरूर से जरूर होगी। तेजस्वी यादव के इस बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जो चार विधायक है उस पर कार्रवाई होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट फ्रॉड लोन के मामले में पार्टी कार्रवाई कर सकती है। नहीं, इसमें हम लोगों ने लिखित में हमारे सचेतक ने और हमने खुद भी स्पीकर महोदय को हमने लिख करके दिया है, तो निर्णय क्योंकि कानून तो है और इसमें एविडेंस भी है और एविडेंस आप सब लोगों ने देखा ही था, कोई भी उधर का इधर आके नहीं बैठा, जो कुछ लोग थे इधर के ही उधर जाकर के बैठे हैं, ये तो सबसे बड़ा एविडेंस है। और परंपरा के हिसाब से वोटिंग के टाइम में जिसको जहां सीट अलॉट होता है उसको वहीं बैठना पड़ता है, तो इतना बड़ा सबूत है, तो हम तो लिख करके दिए हैं, कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब आप अगर कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं स्पीकर महोदय तो हमारे पास रास्ता खुला हुआ है, अब खुद कह दिया तो स्पेसिफिकली हम लोग जा करके फिर लाएंगे। अब तो कम से कम स्पीकर साहब को निर्णय ले लेना चाहिए ना। भाजपा कह रही है कि